नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी उत्तराखंड के सियासत के उस सुपर सियासी संडे की, क्योंकि आज रविवार है और सियासी घमासान है। उत्तराखंड के सियासी गलियारों में अब बचा महज एक दिन। आप कहेंगे एक दिन, नामांकन की तारीख तो कुछ और है, रिजल्ट की तारीख भी अभी आगे है 10 मार्च, लेकिन आज आप एक दिन की बात क्यों कह रहे हैं? ये एक दिन की मोहलत बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। अब ये एक दिन की मोहलत में जो डैमेज कंट्रोल कर लेगा वो सत्ता के करीब पहुंचेगा। कल एक गणित हमने आपको समझाया था और बताया था कि आखिरकार उस गणित के मुताबिक बागियों की फौज किस किस राजनीतिक दल में कहां कहां खड़ी है। लेकिन आज सियासत के इस खेल में खबर एक और निकल के आई। खबर यह निकल के आई कि उत्तराखंड के रण में 23 नामांकन खारिज हुए। 23 नामांकन, इस लिहाज से 727 नामांकन अभी दर्ज हो चुके हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 141 प्रत्याशी रण में है, देहरादून जिले की मैं बात कर रहा हूं, और इसके साथ साथ सबसे कम है चंपावत 15। मगर इस खेल में दिलचस्प कहानी अब एक और निकल के आ रही है कि बगावत का जो तूफान बीजेपी और कांग्रेस दोनों के घर में आया है, इस तूफान को शांत करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी जी जान लगा दी है। बीजेपी का डबल इंजन जोड़ रहा है, डबल इंजन फॉर्मूले से इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। डबल इंजन ये सरकार वाला नहीं है, दरअसल डबल इंजन का फॉर्मूला यह है कि संगठन अपने स्तर से कोशिश कर रहा है मान मनोबल की, और जो प्रत्याशी सामने है बीजेपी का उसे मान मनोबल के लिए रण में उतारा गया है कि आप किसी भी तरह से बाकी चेहरे को मना लीजिए। यानी यह हो गया डबल इंजन, एक संगठन का एक प्रत्याशी का। कांग्रेस में स्थिति इसके उलट है। प्रदेश अध्यक्ष अपना चुनाव लड़ रहे हैं श्रीनगर से, गोदयाल साहब। मुख्यमंत्री का चेहरा रहे हरीश रावत, पहुंच गए लालकुआं, और नेता प्रतिपक्ष चकराता अपनी सीट पर। कांग्रेस के लिए असमंजस की स्थिति ये, एक तो दिल्ली आला कमान इतना एक्टिव नहीं है जितना बीजेपी का। अब ऐसी स्थिति में मनाए तो मनाए कैसे? बागियों की फहरिस्त अगर निकाली जाए तो बीजेपी के घर में कुल मिलाकर 14 सीटें ऐसी हैं जहां बागियों ने नाक में दम कर दिया, 14 सीटें ऐसी, और 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। 3 सीटों के लिए विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, 3 सीटों पर। एक रुद्रपुर, जहां पर राजकुमार ठुकराल ने पार्टी छोड़ी और निर्दलीय चुनाव लड़े। अब नरेंद्रनगर आइए, सुबोध उनियाल के खिलाफ बगावत, ओम गोपाल रावत प्रत्याशी बन चुके हैं। टिहरी आइए, टिहरी सीट पर धन सिंह नेगी भाजपा छोड़ कांग्रेस में चले गए हैं। अब इनको जो मनाने के इतर चेहरे हैं उनके लिए पूरी की पूरी फौज लगा दी गई है। अब कांग्रेस में हरीश रावत तो खुद लालकुआं में ही बगावत झेल रहे हैं, यानी बगावत चारों तरफ दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है। और उत्तराखंड की सियासत का इतिहास इस बात का गवाह है कि बगावत का मतलब सिर्फ ये 14, 15 या 20 सीटें नहीं है, मसला उन सीटों का है जहां पर वोट का जीत और हार का मार्जन होता है 1500, 2000, 3000, यहां तक कि 4-4 वोट से भी विधायक बने हैं लोग और हारे हैं 4-4 वोट से। नरेंद्रनगर की सीट, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि बगावत की आग अगर नहीं बुझाई गई, बीजेपी और कांग्रेस जिसने आग बगावत की आग बुझा ली वो जीत के करीब। ऐसे में सिर्फ एक दिन की मोहलत बची है, एक दिन की। पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं और फिर रुक करेंगे। सीमा डोरा हमारे साथ जुड़ेंगी, बीजेपी का चेहरा है। लखपत बड़ोला हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस का चेहरा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले जरा दो बयान सुनाएंगे और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। लेकिन आज एक और बड़ा खुलासा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया करेगा, एक और बड़ा खुलासा।
उत्तराखंड की सियासत में एक और बड़ा खुलासा हो। लेकिन पहले दो बयान प्ले करिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। निश्चित तौर पर ऐसी चीजें भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने भ्रष्टाचार से पैसा अर्जित किया है और धन बल के आधार पर इस चुनाव को वो जीतना चाहते हैं, उन्होंने जो है अभी उनके एक विधायक रुद्रपुर के जो पूर्व विधायक थे उनके ठुकराल, उन्होंने आरोप भी लगाया था और उन्होंने एक ऑडियो वीडियो भी जो है वायरल किया था। तो निश्चित तौर पर जो है इस प्रकार की चीज़ें कांग्रेस पार्टी में नहीं होती हैं, ऐसा कोई साबित भी नहीं कर पाएगा। मेरा दावा है यदि इस प्रकार की कोई बात है तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल निराधार है। और जहाँ तक आपने नाराज़गी की बात करी तो नाराज़ जो है नेता हमारे तमाम जो प्रत्याशी हैं जो जिनको टिकट नहीं मिलता है उनकी दावेदारी रहती है वो जो है थोड़ा नाराज़ होते हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि उनको समझाएं। ऐसा है कि जब टिकट बंटवारा हो जाता है, किसी को भी टिकट नहीं मिलता है तो आरोप प्रत्यारोप इस तरह के लगते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का मन अशांत होता है, उसके मन की पीड़ा होती है, वो अशांति के लिए जो उसको उसके शांति मिल जाए उसके लिए आप लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से अपने को शांत करता है, उनको इतना ही है, बाकी इसके अलावा कुछ। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से जारी हैं। इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के भीतर एक बड़ा आरोप सितारगंज से भी आया है। इस बड़े आरोप का जिक्र भी करेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें सीमा डोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि बीजेपी का चेहरा है, साथ ही साथ मेरे सहयोगी सुभाष गौड़ भी जुड़ चुके हैं और साथ ही लखपत बड़ोला भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सीमा डोरा जी, डबल इंजन छूट गया है अपनों को मनाने के लिए, डबल इंजन। एक तो प्रत्याशी के ऊपर आपने जिम्मा सौंप दिया, आपने कहा कि प्रत्याशी खुद मना लो वरना फिर संगठन के स्तर से मनाया जाएगा, लेकिन ये मान मनोबल का दौर मैं देख रहा था, कहां कहां मनाएंगे? ये तो लगभग 14-15 सीटें हैं, इतनी बगावत जी? बहुत बड़ा नहीं, बगावत नहीं है, ये इतना बड़ा संगठन है और हर सीट पे जो थे 20-20 प्रत्याशी जो थे, जिन्होंने सोचा इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इतना लोगों ने इतना विश्वास दिखाया पार्टी पे कि हम भी कर सकते हैं, हम भी विधायक बन सकते हैं, क्योंकि जनरली राजनीति में लोग ये समझते नहीं थे कि राजनीति में एक आम आदमी भी प्रत्याशी के रूप में उभर के आ सकता है और एक विधायक बन सकता है। पहले विधायक जो थी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि विधायक कैसे बनेंगे, जिसके पास बहुत पैसा होगा या जब बहुत नाम होगा या बहुत अलग तरह का इंसान होगा वही विधायक बन सकता है, एक आम आदमी नहीं बन सकता। लेकिन अब ये जब से बीजेपी आई है तो ये विचारधारा बदल गई है कि बीजेपी आई है तो नॉर्मल लोग भी जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो सिद्धांतवादी हैं, जो काम करना चाहते हैं, समाज सेवक है, वो भी चाहते हैं कि हम आके काम करें। और बीजेपी ने भी खुली बात कही थी कि कोई भी जो है वो मांग सकता है टिकट, मांगना सबका अधिकार है। तो महिलाओं की बात की गई कि महिलाओं को भी ज्यादा मिलेगा, तो महिलाओं ने भी बहुत सारे करे, इसलिए प्रत्याशी बढ़ गए। जब बढ़ गए तो फिर जो जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं वो तो झेल जाते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे, नहीं देखेंगे तो कहीं और देखेंगे, क्योंकि हमको तो पार्टी के काम करना है। जो थोड़ा सा ये लगता है इनको कि नहीं ज्यादा ही अपनी उन्होंने जो महत्वाकांक्षा होती है तो वो जो थोड़ा सा विरोध में आ जाता है कि नहीं हमें क्यों लेकर आए। जब प्रत्याशी इतने बढ़ गए थे, आपके इतने ज्यादा दावेदार थे, तो फिर बाहर से लाने की क्या जरूरत थी? रहने देते लखपत बड़ोला के पास दो चार, उनके भी ले आए आप। नहीं, नहीं, वो वाली मैं आपको बताती हूँ, लगे रह गए ना सीमा मैडम, आप जैसे कार्यकर्ताओं का तो हक मारा गया कि नहीं? नहीं, मैं बताती हूँ आपको, ये भी सोचने का एक तरीका है। जब एक बहुत बड़ा हवन, जैसे ही कहते हैं ये जो पर्व है, ये तो जो हमारा वोट डालने का दिन आएगा, तो इस पर्व में सभी राष्ट्रवादी सिद्धांतवादी को अपना अपना वोट डाल के इस हवन को पूर्ण करना, ताकि हम एक जो आपको वोट डालेंगे वो राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र बनाना है हमें, एक हिंदुस्तान को कंप्लीट करना है, हिंदू बनाना है। तो उसमें अगर वो बाहर के लोग भी, यानी कि बाहर के क्या कहेंगे आप, जो कांग्रेस में थे या किसी और पार्टी में थे, जो उनकी विचारधाराओं से अब सहमत नहीं है, क्योंकि बदल रहा है विचार, जो सहमत नहीं है वो आ जाते हैं हमारे पास, और जो आ जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि पड़े है ना मैडम। मैं अगर दिखाना शुरू करूंगा तो आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस होगी कि हमने ले क्यों लिया, इतना कोसते थे बीजेपी को, इतना कोसते थे पानी पी पी कर, अब आप कह रहे हैं कि नहीं वॉशिंग मशीन में धोया और ठीक हो गया सब। नहीं नहीं, देखिए बहुत कोसते होंगे वो, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब मैं कांग्रेस में था तो कांग्रेस की काम करने का
तरीका काम करने के, लोग जो काम करते थे उनके साथ, उनका नेतृत्व, और ये आप भी मानते हैं सर, को नेतृत्व कांग्रेस का खत्म हो चुका है, इनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, किस पे ये विश्वास, किस पे बताएंगे, किसके कंधों पे ये कांग्रेस को बिठा रहे हैं, इनके पास सोनिया गांधी और राजीव गांधी के अलावा कोई नहीं, ज्यादा से ज्यादा आओगे तो ये हरदा, जिनको बेचारों को टिकट मांगे ना मिल रही, इधर उधर भटक रहे हैं, जिनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता, जिनकी कोई बात नहीं मान के राजी होता, तो इनका नेतृत्व वो है। इसके लोगों को जो एक अच्छे जो सुलझे हुए लोग हैं उनको लगता है कि इस पार्टी में ना तो देश का भविष्य है ना उनका भविष्य है। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए बगावत कैसे थामेंगे, वो लखपत बड़ोला जी के ऊपर छोड़ दीजिए, वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप अपने घर की बताइए जी, कैसे इसको। मैं बिल्कुल, इसमें हम लोगों के प्रत्याशी भी शामिल है, प्रत्याशी भी मनाएंगे कि कोई बात नहीं, देखो मुझको मिल गई है तो यही सोचो कि हम सब मिलकर काम करेंगे, इस तरीके से वो भी अपने स्तर पे मनाएंगे और संगठन भी मनाएगा, और जो हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जो भी जिनकी बात वो मानते होंगे उनको हम आगे कर रहे हैं कि आप लोग इनको मना लो कि भाई लखपत बड़ोला जी वो कह रहे हैं कि हमारा संगठन इतना मजबूत है, और वैसे भी आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन आप दिल पर हाथ रख के बोलेंगे और समझेंगे तो डैमेज कंट्रोल तो ये कर लेते हैं ना, आपको कैसे भी करें लेकिन डैमेज कंट्रोल तो कर लेते हैं ना, आप फिर बोलेंगे आप धन बल से करते हैं, बाहुबल पे करते हैं, ईडी के बल पे करते हैं, सीबीआई के बल पे करते हैं, किसी के बल पे भी करते हैं, लेकिन कर तो लेते हैं ना डैमेज कंट्रोल, आप कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे। देखिए आप हमारी बात पहले इनकी बात का जवाब दे, मैं क्या आपके डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं, इनके तीन विधायकों ने, रुद्रपुर के विधायक ने, आपके हल्द्वानी के विधायक ने, जो चौहान है जो उपाध्यक्ष थे विधानसभा के, और कर्णप्रयाग के विधायक ने, क्या आरोप इनपे लगाया है इनके इस समय के विधायक ने कि भाजपा ने 5 से 10 करोड़ रुपए में टिकट बेचा, ये कांग्रेस ने नहीं कहा, इनके विधायक के बयान है, क्या ये डैमेज कंट्रोल करते कितना करते नहीं करते इनके विधायकों ने कहा है, तो हम इस बात को आपके संज्ञान में ला रहे हैं। और दूसरी बहुत कुछ है, अभी रुकिए ना, अभी मैं खुलासा करूंगा, आप प्लीज कंटिन्यू। बगावत की रार वाली बात है, तो भाजपा के जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं, तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है भाजपा का अंदरूनी मान, लेकिन कांग्रेस के बारे में आपसे जरूर कह सकता हूं कि मैंने शुरू से भी आपसे तिलक जी बहुत बार बात हुई, और टिकट आवंटन पे भी आपने मुझे जब जब बोला, मैंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी में लगभग 60 सीटें ऐसे जिसमें कोई दिक्कत नहीं, 60 विधानसभाओं पे पार्टी के साथ जो भी टिकट मिले हैं उनके साथ लोग एकजुट करके साथ खड़े हैं और एकजुट रह करके, और नेतृत्व ने उस पर तय किया सब लोगों ने, लेकिन कुछ सीटें थी 5-7 सीटें ऐसी थी हमारे जिनपे लेकर 2-2, 3-3 दावेदार थे, और उस समय टिकटों के आवंटन में भी काफी देर हुई, और उसको लेके कई जगह तो जिस तरह के एडजस्टमेंट हुए हैं कि उन्होंने कहा हम में से किसी को भी दे दे तो हम साथ में, लेकिन कैसे करोगे लगता जी, मुद्दे पे आइए ना, कैसे करोगे, आपके तो प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के चेहरे भी चुनाव लड़ रहे हैं, और एक और मुख्यमंत्री के चेहरे वो भी चुनाव लड़ रहे हैं चक्राता से, तो सारे तो मुख्यमंत्री के चेहरे सारे चुनाव लड़ रहे हैं, अब डैमेज कंट्रोल कैसे होगा। देखिए उसके लिए आप जानते हैं कि कांग्रेस ने 11 कमेटियों का गठन आज से 6 महीना पहले कर दिया था, सबको जिम्मेदारी दी गई, उसके अलावा हमारे प्रभारी से लेकर जो चुनाव संचालन के लिए जो प्रभारी बनाए गए हैं, उसके अलावा हमारे से लेकर सारे लोग प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर के जितने भी हमारे नेता है, चाहे वो यूथ के स्तर पे हो, चाहे वो हमारे बड़े नेता हो राष्ट्रीय स्तर पे, आप हर दिन देहरादून के अंदर आ करके वो हर लोगों से बातें कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, और लगभग बहुत सारे लोगों ने सहमति भरी है, कई प्रभारी जी से बात हुई, माननीय रिशावत देखा लखपत जी के यहाँ सहमति बन चुकी है, वो कह रहे हैं कि कल नाम वापस ले लेंगे सारे। जी जी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके पास एक मिनट लखपत जी, सीमा जी देखा आपने कितनी जल्दी डैमेज कंट्रोल कर लिया लखपत जी ने, कह रहे कि सब कुछ और इधर हो गया, वो लाल कुआं वाली संध्या मैडम भी वापस ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ और इधर, चलो देखते हैं आगे आगे, इनके तो वैसे भी हमेशा क्या कथनी और करनी में फर्क होता ही है, इनके तो बातों में मैं विश्वास कर ही नहीं सकती, जब कल ले लेंगे तब बात करेंगे, फिर कल डिबेट में आप आए ना दोबारा से। आपको लगता है कि कांग्रेस वाले बगावत नहीं थाम पाएंगे, मतलब आप कर लेंगे नहीं, तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कोशिश इनको भी करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं करें, सभी दोनों के संगठन का ही काम है। बोलिए बड़ोला जी, बड़ोली अपने स्तर पे जितने प्रयास करें, आप देखोगे 90% लोग इस कांग्रेस के साथ होकर के कांग्रेस की विचारधारा से, देखो जो राजनीतिक जननी कांग्रेस में हम लोग, अब रातल की बात करिए, अगर ऐसा होता तो सीमा डोरा को ये कहने का मौका थोड़ी ना मिलता कि आप रामनगर छोड़ के भाग गए, ये बगावत की आगी तो थी, वरना वहां लड़ लेते, वहां मना लेते सबको,
जी आप देखेंगे, सुन लीजिए एक बात, राजनीति में समीकरण बनते 20 दिनों के अंदर इनका फोन आया था, ऑडियो जो था वो पूरा सोशल मीडिया में हो गया था वायरल। नहीं वो मैंने दिखाया, ये मना रहे थे रामनगर से लड़ लें दो मुझे, रामनगर से लड़ लें दो इनके हरदा, जो इनके इनके रोल मॉडल है, सो कॉल्ड रोल मॉडल आपके हरदा। सुन लीजिए, हमारे लिए गर्व की बात है कि आप एक गुजराती के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम एक उत्तराखंडी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अंतर आप और हमें स्पष्ट है, आप उत्तराखंड में रहकर गुजरातियों के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन हम उत्तराखंड में रहकर उत्तराखंडियों के नाम पे वोट मांग रहे हैं। किस किस गुजराती के नाम पे मांग रहे हैं, किस गुजराती के राष्ट्रीय नेता है उत्तराखंड के अंदर, किस नेतृत्व करता है, नाम बताइए। दूसरी बात, नाम बताइए आपका, वो आपका कौन है, आपका कौन है, वो आपके देश का कौन है, अपने विधायक, अपने 5 साल की सरकार के नाम, नाम बताइए ना, अगर वो गुजराती नेता आपके देश का कौन है, वो दिख रहे कहाँ कहाँ घूम रहे, कल रुद्रप्रयाग घूम रहे थे, अभी कई मीटिंग है, कई परेड ग्राउंड में आकर के किनके नाम पे वोट मांग रहे, वो आप भी यदि जा रहे हैं तो पता चला कि भाजपा एक साधारण नेता नहीं, आपके देश का गृह मंत्री है, गुजराती एक साधारण इंसान नहीं, वो आपके देश का प्रधानमंत्री है, रिस्पेक्ट से बात करिए। घर घर की बातें आप मत करिए, भाजपा की खूबी यही है कि हम पन्ना प्रमुख रखते हैं, हम घर घर जाके करते हैं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता होता है सब, हमारे यहाँ नेता नहीं होता, कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता चाहे वो कितना भी बड़ा मंत्री हो लेकिन उसको जमीन स्तर पे काम करना पड़ेगा, वो कार्यकर्ता बन के ही आगे चलेगा और कार्यकर्ता ही रहेगा पूरे टाइम। उत्तराखंड के किसी नेता को आगे करके आप हरीश रावत या कांग्रेस का मुकाबला कर पाए, मैं पुनः कह रहा हूँ, क्योंकि आपने उत्तराखंड को तार तार किया, शर्मसार किया उत्तराखंड को आप लोगों ने, ये मैं कह रहा हूँ। अरे आपके पास हो तब ना, आप बुलाओ उस कुंवर कुंवर आपके जो है दिल्ली में बैठे हुए, उनमें इतने समय तो आए, जरा पर्चे बांट के दिखा दे, बुलाओ उनके पास संस्कार है कि वो आए हमारे गली मोहल्ले के लोगों के साथ मिलके जा सकते हैं, वो तो मास्क पहन के किसी कोने में बैठे होंगे, डर लग रहा होगा उनको बहुत ज्यादा। अच्छा आपके कुंवर साहब को गुस्सा नहीं, एक मिनट, अच्छा बूढ़ा हर कोई उसमें कोई दो रहे हैं जी, इसको आप कहीं भी फ्रेंड बट में मत रखिए, हरीश रावत से बड़ा राजनेता, हरीश रावत से बड़ा जन नायक उत्तराखंड के अंदर है। मैं आप, हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर उत्तराखंड से एक ऐसा जन नेता है कि जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके जैसा हो ही नहीं सकता, जो कह दे कि मैं आग बंद कर लेता हूँ लूट लो, ऐसा कोई नेता ना हुआ है ना होगा आगे भी कभी नहीं, हरदा पर चर्चा नहीं है, सैल्यूट है उनको। राज्य के नाम पे, उसके विकास के नाम पे वोट मांगा जाए तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा होगा। ओके विकास तो आप भूल चुके हैं, विकास किसको कहते हैं, विकास तो आपको पता ही नहीं, परिभाषा ही नहीं पता विकास की। ओके मैडम एक मिनट अपने सहयोगी के पास चला जाओ, प्रधानमंत्री प्लीज जब आप आरटीपीसीआर टेस्ट में 1 लाख का घोटाला कर देता है, जब आप कर्मकांड टिकट किसने बेचा क्या बेचा दिखाऊंगा, रुको इसी डिबेट में दिखाऊंगा, रुको ना आप लखपत कर देते, ये आपके लिए विकास हो सकता, कांग्रेस के लिए विकास नहीं रहा। आप जब बड़े बड़े ऑफिस खोलते, जिला मुख्यालय, एक बड़ा खुलासा करूंगा, जिन सड़कों पे, जिन ऑल वेदर रोड सड़कों पे आपकी गाड़ी फर्र घूमती है ना, दिल्ली से यहाँ, यहाँ से दिल्ली और पहाड़ों में, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, ये उसको कहते हैं विकास, इसको कहते हैं विकास, जहाँ पर आप सरवाइव कर रहे हो ना कोरोना के बावजूद, उसको कहते हैं विकास। एक मिनट परिभाषा, एक मिनट सुभाष मैं तो बगावत की बात कर रहा था, ये तो यहीं पर ही बगावत शुरू हो गई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस बीजेपी कोई बगावत नहीं, लेकिन सच्चाई दिखा रही हूं मैं, क्या बागियों की फौज को मनाने में कामयाब हो पाएंगे बीजेपी कांग्रेस वाले? बिल्कुल बड़ी चुनौती है दोनों ही राजनीतिक दलों पर अपने जो बागी प्रत्याशी हैं उनको शांत बिठाने की। यदि ये कहा जा सकता है कि जिस दल ने अपने बागियों को शांति से बिठा दिया तो शायद उनकी सीटें ज्यादा निकल जाए, और जो बिठाने में नाकामयाब रहा तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो फैक्टर चुनाव में बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अनुमान देखा गया है कि जिस भी सीट पर अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करके जो भी नेता मैदान चुनाव के मैदान में उतरा है वहां पर उस पार्टी के प्रत्याशी को नुकसान भुगतना पड़ा है। और ये कहा जा सकता है कि यही वजह है कि दोनों राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में तो जरूर लगी है, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि इस डैमेज कंट्रोल को जल्द से जल्द करेगा कौन, इसमें आगे निकलेगा कौन,
क्योंकि बड़ी चीज ये है कि अगर डैमेज कंट्रोल सही समय पर और सही तरीके से नहीं किया गया तो सत्ताधारी भाजपा को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वो तो पहले ही सरकार में है और सरकार यदि बाहर का रास्ता देखेगी केवल अपने उन लोगों की वजह से जो पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव के मैदान में उतरे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पार्टी को होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें सत्ता में आना है और सत्ता में आने के लिए वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो विरोधी दल है यानी कि भाजपा है वो तो ये कहा जाता है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यदि कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल बेहतर तरीके से नहीं किया और जो निर्दलीय प्रत्याशी उनकी पार्टी के चुनाव मैदान में उतरे हैं उनको नहीं बिठाया तो शायद बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा। और खुलकर कहा जा सकता है कि भाजपा में इस समय बड़ी बगावत देखने को मिल रही है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी थे और वर्तमान के कई विधायकों का उन्होंने टिकट भी काटा, तो ऐसे में नाराजगी बहुत ज्यादा है। चाहे रुद्रपुर विधानसभा सीट की बात कर लीजिए तो राजकुमार ठुकराल पार्टी के खिलाफ हो गए, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की बात कही है, तो कहा जा सकता है कि उस सीट पर बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। देख रहा था कालाडुंगी में भी हालात ठीक नहीं है, बागी गजराज मंत्री भगत सिंह बंशीधर भगत जी पर काफी आक्रामक है, ऐसी कई सीटें हैं। बिल्कुल ऐसी हाल कांग्रेस के अंदर भी है, अगर ये कहा जाए कि जो उनके मुख्यमंत्री चेहरे हरीश रावत उनकी सीट पर ही बगावत शुरू हो गई, जिनको पहले उन्होंने टिकट दिया चुनाव मैदान में उतारा उसी सीट में वो पहुंच के उसका टिकट काट दिया गया, तो कहा जा सकता है बगावत के सुर दोनों ही राजनीतिक दलों में बहुत जोर शोर से है, लेकिन जरूरत है उनको उन बगावती सुरों को कम करने की। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भाजपा ने राजधानी देहरादून के डोईवाला विधानसभा सीट में जो प्रत्याशी उतारने में बहुत देरी की, ये कहा जा सकता है कि नामांकन के आखिरी दिन उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा और उसके बाद नाराजगी जो पार्टी के जो नेता थे बागी उतरे हैं वहां पर, चार चार बीजेपी के बागी उतरे हैं, बिल्कुल चार चार बागी उतरे हैं। और कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे नेता हैं, कुछ तो युवा चेहरे हैं, कुछ लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि शायद उनको टिकट पार्टी देगी, लेकिन पार्टी ने जिस तरीके से पहले भारी चेहरे को उतारने की बात करी उसके बाद जब विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर क्षेत्रीय यानी कि उसी क्षेत्र से किसी व्यक्ति को उतारा, लेकिन उसके बाद भी बगावत थमी नहीं। आज कह रहे हैं कि डोईवाला में सबसे ज्यादा बागी हैं, है क्या आपके पड़ोस में जहां सबसे एंड टाइम में, बताइए इतना बड़ा संगठन आपका दुनिया का सबसे बड़ा संगठन और बिल्कुल एंड टाइम में कुछ ही घंटे पहले आपने प्रत्याशी को उतारा उसके बाद भी बागी उतर गए, मुझसे कह रहे ना डोईवाला, ये क्वेश्चन मेरे लिए ना डोईवाला जहां पूर्व मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी या लिखवाई नहीं, देखिए क्योंकि त्रिवेंद्र जी ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं संगठन के में काम करना चाहता हूँ, तो फिर उसके बाद पार्टी ने सोचा ऐसे, पहले तो त्रिवेंद्र जी का ही सोच रहे थे कि वही लड़ेंगे, फिर उसके बाद ये समीकरण भी बिठाने पड़ते हैं कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन है, कौन जिताऊ हो सकता है, जीतने वाला कैंडिडेट मिल पाया सुभाष अंतिम वक्त में मिला, क्योंकि पहले सौरभ थपलियाल सबसे ऊपर चल रहे थे पार्टी का जो सर्वे था उस हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद एक पैराशूट प्रत्याशी उतारने की भाजपा ने कोशिश की और रात में जो बीजेपी का सोशल मीडिया जो पेज है उस पर उस प्रत्याशी की फोटो लगाई जाती है, ये कहा जाता है कल 3 बजे वो वर्चुअल तरीके से रैली करेंगे और खासतौर से बाकायदा नाम के साथ लिखा जाता है कि डोईवाला प्रत्याशी, और जब सुबह जो आखिरी दिन है नामांकन का तो प्रत्याशी बदल दिया जाता है क्योंकि विरोध बहुत ज्यादा हो जाता है और जो डोईवाला के स्थानीय नेता हैं सभी लोग बीजेपी दफ्तर में आकर विरोध करते हैं और उसके बाद अंतिम समय में अपना अंतिम प्रत्याशी उतारा जाता है और उसके बाद निर्दलीय जो है भाजपा के वो मैदान में उतर जाते हैं। सिर्फ डोईवाला नहीं, रुद्रपुर में ठुकराल जी कह रहे थे, बोले तिलक चावला तुम्हें मालूम नहीं है टिकट बेचती है इन्होंने टिकट बेची है, कह रहे थे एक, मैंने तो बोला किसने बेची किसने खरीदी है बताओ जरा मुझे भी, मैं फोन मिलाऊं, कह रहे 1 तारीख को इंतजार करना, 1 तारीख को सबका नाम बताऊंगा सबूत के साथ बताऊंगा, ऐसे बोल रहे थे। फिर 1 तारीख तक का, 1 तारीख तक का इंतजार कर लेते हैं क्योंकि ऐसा भाजपा में हुआ नहीं है और ये तो वही वाली बात हो गई ना, टिकट खरीदा और बेचा। देखिए ठुकराल जी हमसे कोई अलग नहीं है, लेकिन वही है क्रोध है और हर समय इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत कल गुस्से में थे, कुछ भी परमानेंट नहीं होता, जब परमानेंट नहीं है तो आपकी सीट भी कैसे परमानेंट हो सकती है, तो इतना बड़ा देश है इतना बड़ा आपका जिला है तो सबका मन करता है और वो स्टेट में भी सबका मन करता है कि हम भी यहाँ से लड़े, तो आप अकेले कैसे होते जो परमानेंट प्रत्याशी हो सकते हो,
वो तो कोई भी नहीं हो सकता, किसी को भी विरोध नहीं करना चाहिए, जिसको पार्टी बल्कि बदलना भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल बदलना चाहिए, अगर आप सच्चे देशभक्त हो और सच्चे अपने पार्टी के प्रति वफादार हो तो आपको तैयार रहना चाहिए कि पार्टी कहाँ भी आपको खड़ा कर दे आप तैयार हो जाइए, और नहीं खड़ा करती ज्यादा, मैंने भी मांगा था नहीं मिला, तो मुझे शायद लग रहा है कि मुझे यहाँ डिबेट में ज्यादा पार्टी को जरूरत है मेरी, तो मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई बात नहीं, एक बार भी विरोध नहीं करा, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी जरूरत होती है और चुनाव में संगठन में सबकी जरूरत होती है इस समय, हर हमारा जो हर कार्यकर्ता वो इम्पोर्टेंट होता है, तो अगर वो ऐसा सोच रहे कि एक ऑडियो सुनाऊंगा लेकिन लखपत मैडम उससे पहले सुनने में आ रहा है कि अगर ये माने नहीं तो नड्डा जी या फिर अमित शाह जी फोन पर बात कर सकते हैं इनसे, जो जितने बागी उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है उनको एक एक करके फोन किया जाएगा दिल्ली से, सच है ये बात? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी इनकी बात का जवाब दे रही थी मैं, कि अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, हमारे यहाँ पर सब कार्यकर्ता है, बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक सब कार्यकर्ता है, और इसमें जिसकी जिसकी जरूरत पड़ेगी सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो कुछ कुछ भी असंभव नहीं है पार्टी में, वो कोई ऐसा नहीं कि वो एक छोटे कार्यकर्ता से बात नहीं कर सके, काम धाम नहीं वो एक अलग चीज हो जाती है ना, बाय हुक और बाय क्रूक एक अलग चीज होती है, लेकिन बात है कि बातचीत करके किस तरीके से बनाया जाए, बातचीत करके हम लोग ने हमेशा बातचीत को नहीं ऐसा है ही नहीं हमारी पार्टी में, कभी ऐसा नहीं होता, सम्मान ही बहुत होता, अगर उनको पता इतनी ऊपर से फोन आ गया तो उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है, आज बता रहे थे मुझे सम्मान होता है डोई वाला में, देखा सबका सम्मान, वो बता रहे थे पता नहीं क्या बाउंसर बाउंसर भी बिठा रखे थे आपने अपने कार्यालय में, कहां पे बिठा रखे थे बाउंसर, वो आपको पता होगा मैडम। खैर लेकिन लखपत जी अभी टिकट खरीद फरोख की बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि इनके यहाँ इनके नेता विधायक आरोप लगा रहे कि टिकट खरीदा गया और बेचा गया, एक ऑडियो सुनाऊं आपको लखपत जी? जी बताएं। मैं सुना देता हूँ सर, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा, नारायण पाल का जो इंटरव्यू लिया था एक दिन पहले हमने, नारायण पाल का इंटरव्यू, और बेहद गंभीर आरोप है, अगर इस आरोप में रत्ती भर भी सच्चाई है तो टिकट खरीदने और बेचने का नहीं है, लखपत जी सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, ये टिकट खरीदने और बेचने का आरोप नहीं है, यहां दो विचारधाराओं के बीच की जो लड़ाई आप लोग कहते हैं कि सीमा मैडम की बीजेपी ये, सीमा मैडम कहती है कि कांग्रेस ये, उस विचारधारा का खुलासा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि असली डील पैसे की नहीं हुई, पैसे से बढ़कर भी बहुत कुछ हुआ। लखपत जी जी, नारायण पाल क्या कुछ कह रहे हैं, मैं पहले वो सुनाता हूँ फिर उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड आ रहा हूँ लखपत जी, मैंने सुना नारायण पाल इन्होंने टिकट भेज दिया और अच्छा, मजे की बात यह किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को नहीं बेचा। किसको दिया नारायण पाल जी? फिर तो ये टिकट खरीद फरोख की बात आ गई है तो सामने। नहीं नहीं किसी और ने चाहा कि नारायण पाल जी ने लड़े तो नहीं चाहते होंगे, एक हमारे प्रदेश के एक नेता हैं, उनका श्री विजय भगवाना जी से काफी अच्छा तालमेल था, उन्होंने पूरी कोशिश लगाई स्क्रीन कमेटी में इसमें उसमें कि नारायण पाल जी को नहीं मिले हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कांग्रेस के। अच्छा आप नाम क्यों नहीं ले रहे उनका? नाम क्या लेना किसी का, कांग्रेस से तो हमें भाई प्रेम प्यार प्रीतम हमारा सभी कुछ है ना, सभी कुछ था। नहीं आप बहुत कुछ बोल भी गए, मैं समझ भी गया, इतना प्रीतम इतना प्यार था तो फिर उन्होंने इतना प्रीतम प्यार क्यों नहीं दिखाया? नहीं अब भाई ऐसा है ना कि कुछ लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर लेते हैं, होता है कि दूसरे दलों के लोगों से भी लोग है जग जाहिर है, वो तो जग जाहिर है। विजय बोगड़ा जी की वजह से आपका टिकट काटा गया कि बोगड़ा जी नहीं चाहते थे कि आप चुनाव लड़े? अरे ये अब मैं कह नहीं रहा हूँ, ये तो दस्तावेज दिखा दूंगा मैं। किस बात के? इन्हीं की पार्टी के, इनका कन्वर्सेशन दिखा दूंगा मैं। कॉल डिटेल्स कह रहे हैं आप? दिखा दूंगा लेकिन मैं इस पिछड़े में पढ़ना नहीं चाहता, दिखा दूंगा लेकिन मैं इस पिछड़े में
और मैंने देवेंद्र यादव जी से हरीश रावत जी से दोनों को दिखाया भी था, मैंने ये लो ये नाम लो ये लो इस समय ये लो सब कुछ किया था। फिर हरीश रावत जी ने क्या कहा? हरीश रावत जी ने कुछ नहीं किया, टिकट काट दिया। काल का आरोप है लखपत जी, वो ऑडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा, इस ऑडियो का मैं जिक्र कर रहा हूं। नारायण पाल ये कह रहे हैं, मैं बता देता हूं, नारायण पाल ये कह रहे हैं सीमा मैडम कि मेरा टिकट काटा गया, टिकट बेचा गया, टिकट खरीदा गया, लेकिन विजय बागुड़ा जी ने मेरा टिकट कटवाया। सुनिए 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 लखपत जी, विजय बागुड़ा जी ने मेरा टिकट कटवाया, कांग्रेस के एक नेता जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं उनको फोन करके मेरा टिकट कटवाया। वो रिकॉर्ड, ऑल डिटेल्स, वो सबूत मैंने हरीश रावत को दिखाए, मैंने अपने प्रभारी को दिखाया कि दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई है, फोन पर बात हुई है। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यह तय हो रहा था कि कौन प्रत्याशी कहां पर चुनाव उतरेगा। यानी कि मुख्यमंत्री तय कर रहे थे कि कांग्रेस का प्रत्याशी सितारगंज में कौन होगा। तिलक जी, मैंने सुना था आपका वो इंटरव्यू, देखा भी था, लेकिन मैं आपको इसके अलावा, आपने वो इंटरव्यू भी देखो, वो कोश्यारी जी का वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें कोश्यारी जी कहते हैं कि विजय भोगड़ा हेमंती नंदन भोगड़ा का लड़का है कि नहीं है, उनका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा, ये भी आपने सुना होगा। अगर आप चाहेंगे मैंने किया था वो इंटरव्यू, आप सुनिए मेरी बात। मैं आप 2011 की बात करें, मैं 2011 की बात कर रहा हूं, वो इंटरव्यू मैंने किया था, अगर आपको चाहिए तो मैं भिजवा दूंगा आपको। आप ही ना, ना, डीएनए टेस्ट वाली बात, सर डीएनए टेस्ट वाली बात, अभी जो इस विषय पर मैं बात कर रहा हूं उसी पर रहिए प्लीज। मैं इसी पे आ रहा हूं क्योंकि ये उसी नेता से जुड़ी हुई बातें हैं, उसी नेता पे आरोप लगाया है जो देहरादून में आके डेढ़ महीना पहले कहता था कांग्रेस में ऐसे ही बगावत मचेगी कि कांग्रेस में तीन लोग नहीं रहेंगे। उसके बाद पता चला कि भाजपा से दो दो कैबिनेट मंत्री चले गई, भाजपा से तीन तीन चार चार विधायकों ने विधायक ही छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया, जो कह रहे थे कांग्रेस में तो एक भी विधायक नहीं रहेगा और मैं कांग्रेस का चीरहरण कर दूंगा। तो ये जो इन नेताओं की बातें हैं, मैं समझता हूँ कि आप कह रहे थे तो सुना नहीं, सुनिए। किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को नहीं बेचा, किसको दिया नारायण पाल जी? फिर तो ये सुनाई दे रहा है, खरीद फरोख्त की बात आ गई है तो सामने। नहीं नहीं, किसी और के, किसी और ने चाहा है कि नारायण पाल जी ना लड़े तो नहीं चाहते होंगे। एक हमारे प्रदेश के एक नेता हैं, उनका श्री विजय भगवाना जी से काफी अच्छा तालमेल था, उन्होंने पूरी कोशिश लगाई स्क्रीनिंग कमेटी में इसमें उसमें कि नारायण पाल जी को नहीं मिले, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कांग्रेस के। अच्छा, आप नाम क्यों नहीं ले रहे उनका? नाम क्या लेना किसी का, कांग्रेस से तो हमें भाई प्रेम प्यार प्रीतम हमारा सभी कुछ है ना, सभी कुछ था, प्रेम प्यार प्रीतम। आप बहुत कुछ बोल भी गए, मैं समझ भी गया, इतनी इतना प्रीतम इतना प्यार था तो फिर उन्होंने इतना प्रीतम प्यार क्यों नहीं दिखाया? नहीं, अब भाई ऐसा है ना कि कुछ लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर लेते हैं, होता है कि दूसरे दलों के लोगों से भी लोग भाई है, जग जाहिर है, वो तो जग जाहिर है। विजय बागुड़ा जी की वजह से आपका टिकट काटा गया कि बागुड़ा जी नहीं चाहते थे कि आप चुनाव लड़े? अरे ये अब मैं कह नहीं रहा हूँ, ये तो दस्तावेज दिखा दूंगा मैं, दस्तावेज इन्हीं की पार्टी के, इनका कन्वर्सेशन दिखा दूंगा, कन्वर्सेशन कॉल डिटेल्स कह रहे हैं आप, दिखा दूंगा आप? लेकिन मैं इस पिछड़े में पढ़ना नहीं चाहता, दिखा दूंगा लेकिन मैं इस पिछड़े में, और मैंने देवेंद्र यादव जी से हरीश रावत जी से दोनों को दिखाया भी था, हरीश रावत को दिखाया, ये नाम लो ये लो इस समय ये लो सब कुछ किया था, सब कुछ। फिर हरीश रावत जी ने क्या कहा? हरीश रावत जी ने कुछ नहीं किया, टिकट काट दिया। सुना आपने? अब दोबारा सुनाऊं लखपत जी, नारायण पाल जी के सौजन्य से
जी तिलक जी, आपने कहा हम आपकी बात पे 100% भरोसा करते हैं, और आपका मेरी बात जो... का नहीं, नारायण पाल कह रहे हैं टिकट खरीदा और बेचा तो अलग बात हो गई, कह रहे तिलक भाई यहाँ तो पूरी की पूरी डील हुई है, विजय कांग्रेस ने तय कर दिया कि सितारगंज से चुनाव कौन लड़ेगा कांग्रेस का प्रत्याशी, और जो मुख्यमंत्री का चेहरा आपके यहाँ है, सुन लीजिए, जो मुख्यमंत्री का चेहरा आपके यहाँ है, उस मुख्यमंत्री के चेहरे ने आई डील की है, मैंने कॉल डिटेल दिखाई हरीश रावत को। देखिए मैंने आपसे कहा है, आपने बात कही, ये बात मेरे संज्ञान में थी और मैंने इस बात को सुना भी क्योंकि पब्लिक डोमेन में भी आज की डेट में, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो विजय भोगड़ा जी का नाम लिया जा रहा है, हम तो नाम लेके कह रहे हैं, वो भोगड़ा जी के लिए कोश्यारी जी ने क्या कहा है, और ये भी जाना जाता है कि राजनीति, आप ये बताइए ना, मैं तो नहीं कह रहा ना, आप ही के कांग्रेस ही कह रहे हैं कि आपके ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे, उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा जो मेरे पीपल थे जी, मैं सारी चीजें, लेकिन मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, भाजपा के धन सिंह नेगी ने आरोप लगाया, रघुवीर चौहान ने आरोप लगाया, मुन्नी शाह ने आरोप लगाया, ये टुकड़ा सुभाष और कांग्रेस कांग्रेस के घर के भीतर ये सवाल नहीं खड़ा होगा कि विजय कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा सितारगंज में, ये आरोप सीधे तौर पर नारायण पाल कह रहे मैंने कन्वर्सेशन दिखाया, नारायण पाल पिछले लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे और 2012 में विजय भगोड़ा के कहने पे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन भी की थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उनका टिकट दो दो बार काटा गया कांग्रेस में, और इस बार भी इसी वजह से काटा गया क्योंकि विजय भगोड़ा ने कॉल करके प्रीतम सिंह को कहा कि इनका टिकट काट दीजिए, ऐसा उनका कहना, और बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार विजय भगोड़ा को ऐसा क्यों कहना पड़ा, आखिरकार उसकी पीछे की वजह यह है कि सितारगंज विधानसभा सीट से विजय भगोड़ा के बेटे वहां से चुनाव मैदान में है, शायद ये भी वजह हो सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं कि ये मुख्य वजह मान सकते हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अपने आला कमान अपने बड़े नेताओं के पास जब वो शिकायत लेके गए, उनको उन्होंने दस्तावेज दिखाए, ऑडियो कॉल दिखाए, उसके बावजूद भी उनका टिकट काटा गया, और ये कहा जा सकता है कि अंतिम समय तक भी उनकी नहीं सुनी गई, तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस से उनकी नाराजगी और बढ़ गई, और यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दी और वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए, जैसे कि अभी तक हम कह रहे थे बगावती सुर, ये सुना आपने जो नारायण पाल बोल रहे हैं, ये क्या चल रहा है, वेरी स्ट्रेंज, अब इसका क्या मतलब निकाला जाए कि कांग्रेस में क्षमता नहीं है अपने लोगों को संभालने की, जो आज भी हमारे बीजेपी के लोगों की बातों से वो करते हैं कंट्रोल, मतलब हम कंट्रोल करेंगे उनको, उनके पास अपना कुछ कंट्रोल नहीं, उनके पास अपना कुछ निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, इसका मतलब तो यही है, जनता को समझना चाहिए ये चीज तो जनता के समझने की है कि जो अपने ही नहीं समझ कंट्रोल कर पाते और अपने ही अपनी क्षेत्र के लोगों को, मतलब हम हमारे बीजेपी में आए हुए लोग उनको बोलेंगे कि तुम इसको बिठाओ इसको नहीं बिठाओ, सच्चाई है, देखिए हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हम सीधे तौर पर कह रहे हैं, ये इंटरव्यू के दौरान उन्होंने आरोप लगाए, जो आरोप थे मैंने आपको सुना दिए, जो आरोप उन्होंने लगाए वो आरोप इसलिए भी संगीन हो जाते हैं कि अगर कांग्रेस के पूर्व नेता पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने वाले चेहरे को फोन कर ये तय करें कि सितारगंज से कौन चुनाव लड़ेगा, तो ये झटका तो बीजेपी के लिए भी है, इस बात की क्या गारंटी कि जो टूट 2016 में हुई और 2022 में वो टूट नहीं हो सकती। सीमा डोरा आपको हैरानी नहीं हो रही है ऑडियो सुनकर? जी हो रही है, अगर इसमें वाकई सच्चाई है तो ये एक तरह से ये राजनीति तो रही नहीं ना, फिर ये तो बिजनेस हो गया कि वहां से उसको करना वहां से उसको करना, तो कार्यकर्ता जो इतने समय से तैयारी करता और वो वोटर जो अपने उस कार्यकर्ता को देखता रहता कि 5 साल जिसने मेरी मदद की थी मैं उसको उसको वोट दूंगी, ये आरोप आपको गंभीर नहीं लगते? जी बहुत गंभीर आरोप है, आपने जो बातें कही है उसको मैं कल से मैं आपसे सही बात कर रहा, मैंने दो बार इस बात को सुना देखा मंथन भी किया, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि कई चीजें टाइमलाइन पे पड़ा हुआ, अगर आप लोग दोबारा देखना चाहें तो ये आपको इंटरव्यू मिल जाएगा। जी तिलक जी मैंने देखा आपका इंटरव्यू, मैं पहले देख चुका था, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि बहुत दुखद है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ इसमें कितने सत्यता है कि जो नारायण पाल जी ने जो आरोप लगाए मुझे नहीं लगता उसमें रत्ती भर भी आरोप सत्य है, क्योंकि नारायण
हो सकता है टिकट, हो सकता है, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं पुनः कह रहा हूँ, देखिए अगर उनके पास में सत्यता होती, इस तरह की बातें होती तो कहीं ना कहीं दिखाते कि बातें सही है, सत्य है, उनकी मैं अपने एविडेंस आप ये कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं है, मतलब जो व्यक्ति खुद खुद विधायक रहा हो, ये नौसिखिया नेता नहीं है, ये खुद विधायक रहे हैं, एविडेंस के बाद ही भरोसा किया जा सकता, उन्होंने कुछ ऐसा हमारे कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें इसमें खरीदने की बात है, कांग्रेस में नहीं होता है, मजबूत स्तर टिकट देने का काम करते, बड़ा सर्वे होता है, उसके बाद जो कमेटियां पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई ना, अगर ये सत्यता है या नहीं, लखपत बड़ौदा जी ने तय कर लिया, नहीं नहीं नारायण पाल झूठ बोल रहे हैं, नारायण पाल ने झूठ बोला, लखपत जी ने घर में बैठ के तय कर लिया कि नारायण पाल ने झूठ बोला, सुभाष गौड़ बिल्कुल ही कहा जा सकता है कि क्योंकि उन्हीं के पार्टी के नेता थे 2012 में छोड़कर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, और ये कहा जा सकता है कि मजबूत उम्मीदवार भी थे वो उस सीट से, लेकिन जब वो अपनी पैरवी करने के लिए बड़े नेताओं के पास पहुंचे, हरीश रावत के पास पहुंचे, ये प्रभारी के पास पहुंचे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तथ्यों के हिसाब से वो पहुंचे होंगे, जब वो खुद कह रहे हैं इंटरव्यू के दौरान कि मैंने उनको ऑडियो वीडियो दिखाई, मैंने उन्हें दस्तावेज दिखाए, तमाम वो चीज दिखाई, जिससे साबित होता है कि विजय भगोड़ा के कहने पर प्रीतम सिंह इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी यदि उनका टिकट काटा गया है और उसके बाद भी उनकी पैरवी चुनाव के लिए नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। लखपत जी दोबारा किसी और के, किसी और ने चाहा कि नारायण पाल जी ना लड़े, तो नहीं चाहते होंगे, एक हमारे नाम लिया प्रदेश के एक नेता है, उनका श्री विजय भगोड़ा जी से काफी अच्छा तालमेल था, वो कह रहे हैं कि तिलक चावला इनका डील थी आपस में, विजय भगोड़ा के साथ इनका बहुत अच्छा संपर्क है, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उन्होंने मेरी टिकट कटवा दी, टिकट बेची गई, खरीदी गई, इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता इनके पास, कुछ भी सत्यता होती तो ये आपको एविडेंस देते, कोई एविडेंस नहीं दिया, एविडेंस मांगे, ये कह रहे मैंने हरीश रावत को एविडेंस दिए, ये कह रहे कि मैंने देवेंद्र यादव को एविडेंस दिए, मैं सुनाता हूँ कि आप रुकिए, इस तरह का कल्चर बहुत कार्यकर्ताओं को जो जीत सकता जो जनता के बीच है और राजनीतिक आर्थिक और सारी संपत्ति को देखते हुए प्रस्तुत देख रहे सुनिए दिखा दूंगा लेकिन मैं इस पिछड़े में, और मैंने देवेंद्र यादव जी से हरीश रावत जी से दोनों को दिखाया भी था, ये लो इस समय ये लो, सब कुछ किया था। फिर हरीश रावत जी ने क्या कहा? कह रहे हैं मैंने दिखाया हरीश रावत को, बताया कि देखो ये लो, इतने बजे बात हुई, ये बात हुई, किससे बात हुई, ये लो, मतलब कॉल डिटेल्स दिखा दी उन्होंने, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे, फर्जी है, अवधेश मेरे साथ जुड़ गए, अवधेश इंटरव्यू लखपत जी कहते हैं मैंने 5 बार देखा, कितनी बार देखा लखपत जी वो? जी मैं काफी बार दे चुका हूँ आपके इस इंटरव्यू को, आपसे कह सकता हूँ कि पुनः कह रहा हूँ, मालूम चला कि किसी ने वो क्लिप बनाकर वायरल कर दिया उसको, किसी के पास डिटेल रहती है, पहले समझने वाली बात है, जब यदि विजय भगोड़ा और जिनको हमारे माने उनको नहीं समझता कि इसमें कोई गंभीरता, क्लिप किसी ने वायरल कर दिया, लेकिन अवधेश मोटियाल, लेकिन आरोप मुझे नहीं लगता, आरोप लगा रहे थे, मैंने नारायण पाल का इंटरव्यू दिखा दिया, कल इंटरव्यू लिया नारायण पाल का हमने, वो ये कह रहे हैं कि भैया विजय भगोड़ा जी ने तय किया सितारगंज में कौन लड़ेगा कांग्रेस की तरफ से, और फोन पे बात हुई है, अवधेश मोटियाल देखिए बिल्कुल तिलक भाई
आपका इंटरव्यू मैंने भी देखा और तमाम चीजें देखिए, एक चीज साफ है, अगर विजय बहुगुणा ये वाली बात अगर नारायण पाल जी ने बोली है कि बहुगुणा जी और बीच में बात हुई है, तो वो किसी और नेता का भी नाम ले सकते थे। देखिए कुमाऊं मंडल में तमाम नेता हैं, खुद हरीश राव जी कुमाऊं मंडल से आते हैं, पूरे प्रभावशाली नेता हैं, तमाम और भी लोग कुमाऊं मंडल के बड़े नेता हैं, तो उन्होंने यहाँ आकर प्रीतम सिंह का नाम ही क्यों लिया? तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी होगी, ये बाहर बातें तो ऐसे आती नहीं है, तमाम प्रदेश में बड़े लीडर हैं, तमाम चीजें हैं, तो उन्होंने उसी व्यक्ति का नाम क्यों लिया कि इस व्यक्ति के बोलने से जो है टिकट काटा गया और वहां आपने डमी कैंडिडेट उतारा, यानी डमी कैंडिडेट मतलब कि जो व्यक्ति सीधा सीधा सौरभ बहुगुणा को फायदा पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो खिचड़ी पकी होगी, जिस खिचड़ी की जो महक है वो भारतकारी है। कोई भी इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा पॉलिटिकल, अगर नारायण पाल का भी अपना एक कद रहा है तमाम और अब भी राजनीति करते हैं, तो ये है नहीं कि डायरेक्ट इतना गंभीर आरोप किसी एक नेता पर लगा दें और सीधा नाम लेकर आरोप लगाएं। कुछ तो बातें हुई होगी, कहीं से कुछ तो हवा आई होगी जिसकी कि दूर तक ये सुनाई दे रही है। लखपत जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर सीमा मैडम आपके पास आना। जी तिलक जी, मैंने आपसे कहा कि आपने जो इंटरव्यू लिया वो हमने देखा, भाग्यपूर्ण है यदि वो आप उनके आपको एविडेंस दिखाते, एक भी एविडेंस नहीं दिखाते व्यक्तियों के बीच की कैसे आए, ये भी बड़ा सवाल है। मैंने 5 बार मांगे उनसे एविडेंस, उन्होंने कहा कि मैंने हरीश रावत को दिखाया, अब मैं हरीश रावत जी से तो नहीं पूछ सकता ना। सुनो, हरीश रावत जी का इंटरव्यू मैंने लिया था तो, लेकिन पहले लिया था, आप इंटरव्यू देंगे तो जरूर पूछूंगा। ये तो एक मजाक उड़ाने वाली बात हो गई कि आप दूसरी पार्टी को कैसे हैंडल कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो हंसी इस चीज की आ रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ये फेवर दे रहे हैं तो जो जनता खुद ही सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगी, क्योंकि इनके थ्रू भी वोट तो हमें ही आना है, और इसका मतलब हमारा प्रत्याशी अच्छा है, हम ये लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं, ये लोग भी चाहे वो दूसरे वे में जाके कर रहे हो तो दूसरे वे में जाके मतलब तो यही बनता है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ हो गई, दूसरे वे में फील्डिंग चल रही होगी। सुभाष फिर आ रहा हूँ आपके पास, अवधेश आपको हैरानी हुई, सीमा मैडम कह रही है दूसरे वे में फील्डिंग चल रही है, ये कौन सा वे है? देखिए बिल्कुल, हम दोनों कल भी इसी पे बात कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता अंदर खाने ये मान चुके हैं कि किसी एक की भी सत्ता नहीं आ रही है, मैच जो है उत्तराखंड में टाई हो गया है और कहीं ना कहीं 5 से 6 जो निर्दलीय लोग हैं वो जीत कर आएंगे, तो कहीं इस तरह की सुखबुगाड़ तो नहीं कि बात के लिए प्लानिंग की जा रही हो कि अपने अपने लोग अपने अपनी चीजें आ जाएंगे और तमाम चीजें जो है इस तरह के बात, अगर बाद में कुछ सीटें ऐसे बच गई तो अपने लोग होंगे। अभी हम लगातार जो सुभाष भी हैं और हम लोग तमाम देखते हैं फील्ड में जाकर के अलग अलग नेताओं से जब बातचीत करते हैं तो हर एक के मन में अलग अलग है, या हर नेता मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पाले बैठा है, तो कहीं ना कहीं अगर वाकई इस तरह के समीकरण बनते हैं, इस तरह की सीटें बनती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बातें बाद में निकल के आएंगी, क्या पता पर्दे के पीछे ऐसी कोई डील हुई हो कि भैया ऐसा कुछ आएगा तो हम जो है 2017 में जो हमने किया था हम उसको 2022 में भी दोहरा देंगे, यानी इधर से लोग उधर जाकर समर्थन भी दे सकते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पक्का हुई होंगी कि यहाँ वहाँ जो है पूरी सांठ गांठ चल रही होगी तमाम चीजें कि कभी मुख्यमंत्री के पद पर कुछ आएगा, कुछ लोग कम रह जाएंगे। हम उत्तराखंड की सियासत में 2002 से आज तक देखते हैं कि कुछ ना कुछ एंड टाइम पे चाहे किरण मंडल का मामला रहा हो या जो है जब भुवन चंद खंडूरी को लड़ने के लिए सीट चाहिए थी तो कांग्रेस के कद्दावर नेता ने सीट छोड़ी थी, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें आती हैं, चीजें चाहे वो भाजपा कांग्रेस के नेता हो एक दूसरे के अंदर ये सियासत जनता कैसे विश्वास करे सुभाष, जब खुद आरोप पूर्व कांग्रेसी लगा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं और मौजूदा कांग्रेस के नेता पर लगा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिरकार जनता भरोसा किस पर करे, क्योंकि जो बीजेपी वाले हैं जो कांग्रेस वाले आरोप लगाने लगे कांग्रेस के यूनी सरकार के फोन करके टिकट बंटवारा किया जा रहा है, भाजपा के विधायक रहे टिकट नहीं मिले, खुलेआम मीडिया के सामने कह रहे हैं 10-10 करोड़ में भाजपा ने टिकट बांटे, मदन कौशिक ने टिकट बांटे, खुलेआम अध्यक्ष के और बड़े बड़े चेहरों के नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी बड़े
कुल मिला के कहा जा सकता है कि यही वजह है कि कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दलों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर चल रही है। यही वजह है कि इतना खामियाजा तो जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजकुमार टुकड़ा लगा के आरोप लगा के 10 करोड़ बांटे गए, अब यहाँ यहाँ भी यहाँ भी एक मिनट अब देखिए सीमा मैडम अवधेश मोटियाल मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ आरोप जो नारायण पाल जी ने लगाए वो आरोप हमने जनता के सामने रखे। ये आपके घर का मसला, आपके घर का मसला है, वो आपके घर का मसला है, नहीं आप देखे घर का मसला है, ये आपकी वायरल हो चुकी है, वायरल होने की कोशिश कर सकते हैं, अब जनता भी ये देख रही है कि चल क्या देख रही है कि चल क्या ये देखिए ये देखिए ये भेज रहे हैं ये भेज रहे हैं नाम लेकर कह रहे हैं बातचीत हुई डील हुई बहुत शुक्रिया।